गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज का डे बहुत खूबसूरत है, और जैसा कि मैंने कल नाइट में आपको बता दी थी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ। और मैं सुबह 6 बजे ही दिल्ली पहुँच गई थी और बहुत सारा काम भी किया। और अभी थोड़ी देर पहले हम बैंक गए थे कुछ काम से, काम हो चुका है। और आज मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें ना, जैसे कि मेरा नया घर बन रहा है तो उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने सोचा कि दिल्ली आए ही हैं तो क्यों ना उसका भी काम देख लिया जाए साथ में। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, और रेडी होने के बाद तो उसका दृश्य देखने लायक है। जैसे अभी तो वो जो दृश्य है वो सिर्फ काल्पनिक है, बट उस काल्पनिक को वास्तविक में बनाने के लिए काम चल रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे एक छोटा सा क्लिप जिसको देख करके आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे तो अच्छा लगेगा ही। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने आशियाने को देखने, वो मेरा घर नहीं आशियाना है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी यहाँ का देख सकते हैं लिफ्ट हमारे घर का, ये सब कुछ यहाँ पे गोल्ड 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 जैसा है। और सच बताए तो सोने जैसा, दिल वाले लोगों के लिए सोने जैसा लिफ्ट बना हुआ है, और ऐसा ही कुछ हमारा घर भी होगा। और नीचे देखेंगे टाइल्स का काम हो गया है, पीछे और भी सारा काम चल रहा है, बहुत सारे वर्कर ऑलरेडी लगे हैं जो काम कर रहे हैं। और आपको बताते हैं इधर भी टाइल्स वाइल्स की कटिंग वगैरह हो रही है, और पीछे का व्यू तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसा व्यू है। तो बस चलिए हम आपको कुछ और चीज़ें भी दिखाते हैं। ये हमारा एक और रूम है जिसमें ऑलरेडी टाइल्स का काम चल रहा है और बहुत बेहतरीन है। ये ऊपर फोर सीलिंग वगैरह का काम हो गया। एक फोर सीलिंग जो मेरे बहुत मनपसंद का है वो ये देखिए, इसमें का ये, और फिर इसमें का तो बहुत ही शानदार है। तो जैसा कि मैं दिल्ली में रहती थी तो मेरा एक फेवरेट बिरयानी हुआ करता था यहाँ पे, जब मैं बिरयानी खाया करती थी। मैं कुछ दिनों से उसको भूल गई थी, तो आज मुझे फिर से याद आ गया उसकी। तो ये बिरयानी मेरा यहाँ का फेवरेट है, और काफ़ी देसी स्टाइल का होता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी बिरयानी मिलते हैं बट उसमें मसाले इतने ज़्यादा होते हैं कि खा नहीं पाती हूँ मैं, और इसमें मसाले कम होते हैं और टेस्ट ऑथेंटिक होता है, इस वजह से ये बहुत पसंद है मुझे। तो भी कंप्लीट हो गया है, और आज मुझे 30 के डॉक्टर को दिखवाना है। और सच बताए तो आजकल थोड़ा मेरा इसकी वजह से सूजन भी हो गया, स्वेल हो गया है मेरे मुंह में, तो दिखाना बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अभी जाकर के इलाज करवाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय गाइस। इट्स अ स्वेल? नो, इट्स नॉट स्वेलिंग। आई फील लाइक दैट। यू फील इट्स बिकॉज़ ऑफ नंबनेस, होता है पफिनेस होता है, एनेस्थीसिया कहीं भी लगेगा तो फील पफिनेस, आगे लगाए तो आपको थोड़ा लगेगा, प्लस जिस साइड लगता है वो साइड ज़्यादा फंक्शनल नहीं होती। मतलब अभी थोड़ा आपको देखेगा राइट साइड का लेप आपको ड्रॉप लगेगा कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, ठीक है ना, बट आफ्टर दैट वो एनेस्थीसिया का असर जैसे कम होगा मेरे दांत का इलाज कुछ हुआ है। आज 3-4 सीटिंग में इसका पूरा काम कंप्लीट होगा, और सच बताए तो मेरा मुंह नहीं खुल रहा है क्योंकि एनेस्थीसिया की वजह से ना अभी लाइक पेन ज़्यादा नहीं हुआ, बट अभी फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मुंह बहुत स्वेल कर गया है, ऐसा हो भी सकता है, बट मैं आ गई हूँ मेडिकल स्टोर दवाई लेने। ये 4-4 टैबलेट दे दीजिए, एक ये और एक ये और एक इसका, 2 टैबलेट दे दीजिएगा। हम लोग ये हमने ये अपोलो फार्मेसी से ले लिया है मेडिसिन, और बस अभी लेके चलते हैं। थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, अभी मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मेरा एक तरफ देखेंगे लिप्स है जो वर्क कर रहे हैं, एक साइड कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मेरा पूरा मुंह बहुत सूज गया है, बट ऐसा है नहीं एक्चुअली। मैं बेटियों को और महिलाओं को छोड़ दे रहा था, तो एक महिला ने अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उसे लड़की बता दिया। अशोक महतो के गैंग के लोगों ने उसे